हेलो एवरीवन, यस दिस इज़ सोविन सर एंड वेलकमिंग यू ऑल इन योर चैनल दैट इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चे आप सब जानते हो कि इस चैनल पे जनरली मैं 11th और 12th का जो केमिस्ट्री का कंटेंट होता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और साथ में कुछ अगर इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल न्यूज़ होती है तो वो भी मैं मेरे चैनल पर लेकर आता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल न्यूज़ है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो न्यूज़ है रीओपनिंग ऑफ स्कूल इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का जो स्कूल है वो कब ओपन होगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का जवाब जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ मैडम ने जिन्हें एक मीटिंग में एक कॉन्फ्रेंस में दिया हुआ है कि जो स्कूल होगी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए वो अब दिवाली के बाद ओपन होने वाली है। ठीक है, आप ये एक पेपर का जो कटिंग आपके सामने लोकमत मराठी पेपर, इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किए थे जिसमें बोला गया था कि 21 सितंबर के बाद स्कूल खुलेगी, लेकिन वर्षा गायकवाड़ मैडम जी ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि महाराष्ट्र में जो स्कूल होगी वो दिवाली के बाद ही खुलेगी। आप देख सकते हो जो टाइटल है यहाँ पर, आता दिवाली नंतरच शाळा सुरू होणार। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो भी आपको यहाँ पे वैकेशन जो चल रहा है इस समय, जो लॉकडाउन चल रहा है स्कूलों के लिए, वो और 2 महीना बढ़ने वाली है। ठीक है, तो दिवाली के बाद आपको स्कूल खुलने के चांसेस यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए होंगे। कब स्कूल खुलेगी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन दिवाली के बाद आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि हाँ, जो हायर ग्रेड के बच्चे हैं उनका जो स्कूल है वो दिवाली के बाद खुल सकता है, चलेगा। तो ये छोटी सी जो न्यूज़ थी आपके लिए, मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया था, और इसी के साथ मैं यहाँ पे जो मेरा वीडियो है मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप जल्दी से पहले शेयर कर लीजिए और उसे लाइक कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।